हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने टेंथ के मार्कशीट के बारे में जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले है। हैं पिछले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं इंग्लिश के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज जो भी थे ट्वेल्थ में और टेंथ के भी सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं आप जाके देख सकते हो और प्रीवियस फाइव क्वेश्चन जरूर देख लीजिए क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है तो बेसिकली आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम मेरा मार्कशीट है मैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पे देखिए मेरा सबसे पहले तो आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा जब आपको मार्कशीट मिलेगा पहले देख के रखिए वीडियो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नाम लिखा उसके बाद फादर्स नेम आपका मदर्स नेम उसके बाद आपका रोल नंबर ठीक है देखिए बी सेवनटीन यानी कि मैंने दो हजार सत्रह को दिया था इसीलिए बी सेवनटीन आया ठीक है आप दो हजार बाईस में देखिए तो बी ट्वेंटी टू आएगा ठीक है उसके बाद रोल नंबर जो भी है मेरा वन टू नाइन था आपका जो भी होगा यहाँ पे रोल था ये पूरा और नंबर जो था ये मेरा जीरो एट नाइन नाइन ठीक है और मैं जहां से पास किया था और यहाँ पे देखिए सिलचर कॉलेज स्कूल लिखा हुआ है ठीक है मैंने इसी स्कूल से पास आउट किया था यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की देखिए मेरे कौन से कौन से सब्जेक्ट्स थे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ देखिए मेरा बंगाली था इंग्लिश था उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स जनरल साइंस सोशल साइंस एंड एडवांस ये इलेक्टिव है यहाँ पे ई लिखा हुआ का मतलब है इलेक्टिव।, इलेक्टिव में आप कंप्यूटर भी ले सकते हो फाइन आर्ट्स भी ले सकते हो म्यूजिक भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो ठीक है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको जो भी मर्जी है आप देखते हैं मार्क्स मुझे कितने मिल रहे हैं सबसे पहले देखिए बंगाली में कोई भी या हिंदी अगर आप लेते हो ठीक है इन दोनों में से किसी में भी आपको जो है कोई भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता पूरा थ्योरी हंड्रेड मार्क्स का होता है पास मार्क्स थर्टी होता है मुझे एट्टी मिला था ठीक है तो लेटर एकदम एकदम मतलब तो एकदम बॉर्डर पर आके मुझे एट्टी मिला अगर सेवेंटी मिलता है तो मुझे लेटर नहीं मिलता ठीक है यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए सेकंड लैंग्वेज जो था वो इंग्लिश था डेफिनेटली इंग्लिश इंग्लिश में जो है अस्सी आपका मेन एग्जाम होता है और ट्वेंटी मार्क्स का आपको यूनिट टेस्ट मतलब इंटरनल होता है ठीक है इंटरनल में आपको कॉलेज स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट देना पड़ता है ठीक है मेरे टाइम पे आई थिंक कुछ ऐसे था या एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बना के देना होता है ठीक है तो बेसिकली वो कॉलेज स्कूल से दिया जाता है ठीक है तो स्कूल ही आपको ट्वेंटी में टू ट्वेंटी तो मुझे हर चीज में ट्वेंटी ट्वेंटी मिला है तो, तो हर स्कूल ही ऐसा ही करता है ठीक है और खास करके अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपको ट्वेंटी में से ट्वेंटी मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे स्कूल अपना पूरा दे देता है मार्क्स ठीक है उसके बाद यहाँ पे फास्ट मार्क्स 24 होता है अस्सी में से आपको 24 लाना होता है और प्रैक्टिकल में आपको छह लाना होता है मुझे 75 मिला था तो टोटल मिला के जो टोटल मार्क्स तो मुझे 95 मिला था ठीक है उसके बाद बात हैं जनरल मैथमेटिक्स सेम है यहाँ पे भी ट्वेंटी मार्क्स प्रैक्टिकल होता है मतलब इंटरनल होता है बाकी एट्टी मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल मुझे नाइन्टी मिला था ठीक है तो इसमें भी लेटर मिल गया और लेटर मिलता है कैसे पता चलता है यहाँ पे देखिए सारे एल लिखा हुआ है अगर एल लिखा हुआ है तो लेटर मिल रहा है ठीक है उसके बाद देखिए जनरल साइंस में सेम ही है एट्टी सेवन मिला था उसके बाद सोशल साइंस में आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए सोशल साइंस में एक्चुअली इंटरनल होता है लेकिन हमारे टाइम में दो हजार सत्रह में क्या हुआ था बुक चेंज हो गया था जिसकी वजह से नया बुक आया था तो हमें क्या हुआ इंटरनल मिला ही नहीं तो उसकी वजह से हम डिसएडवांटेज में थे लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नाइन्टी टू स्कोर किया ठीक है देख सकते हो आप यहाँ पे नाइनटी टू मुझे मिला था और यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है ठीक है देखो इंटरनल असेसमेंट में कुछ भी नहीं है ठीक है तो पूरा हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम दिया नाइनटी टू मिला था बहुत बढ़िया हुआ बाकी एग्जाम से अच्छा हुआ मेरा

527, ठीक है और डिवीजन जो है डी मिला था वे आप देखते हैं देखिए डिवीजन फर्स्ट मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला था और यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि इस प्रकार से मार्क्स हो डिस्ट्रीब्यूट किया अगर 510 से अब मिलता है तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा इसी वजह से मुझे डी दिया गया डी मतलब डिस्टिंक्शन ठीक है 527 मुझे मिला था 510 से ज्यादा था इसी वजह से डिस्टिंक्शन मिला अगर 80 एंड एबाब मिलता है यानी कि 80% से ज्यादा मिलता है आपको तो आपको लेटर मार्क्स मिलेगा और उसके बाद अगर 75 एंड एन है तो स्टार मार्क्स मिलेगा और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन एंड फाइनली फेल ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेवा लिखा हुआ है यहाँ पे सील भी दिया हुआ है सेवा का आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यू आर कोड भी

यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी जो थे सेवा के वो इन्होंने यहाँ पे साइन दिया हुआ है ठीक है तो ये रहा पूरा प्रोसेस आई होप होगा वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आती तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाए तक किसी वीडियो से आपको मिलते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा